कानून व्यवस्था को और बेहतर धार देने के लिए डीआईजी मुनिराज लगातार मंडल के अलग अलग थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। सभी अधीनस्थ अधिकारियों को उनके द्वारा ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि थाने परिसर में आने वाले प्रत्येक फरियादी की फरियाद को सुना जाए, पूरी ईमानदारी के साथ पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। खाकी का मतलब समर्पण है और हम पूरे मनोभाव से संविधान के अनुसार जनता के सेवक हैं, पीड़ित को इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं। इस उद्देश्य को लेकर मुरादाबाद के दिल्ली रोड नेशनल हाईवे पाकबड़ा स्थित थाना पाकबड़ा पहुंचे डीआईजी मुनिराज द्वारा थाना परिसर पहुंचकर थाना पाकबड़ा का औचक निरीक्षण किया गया, दिशा निर्देश दिए गए। जैसे ही डीआईजी मुनिराज की गाड़ी थाना पाकबड़ा के परिसर पहुंची, वैसे ही एसएसपी मुरादाबाद, एसपी सिटी मुरादाबाद, एसपी ग्रामीण मुरादाबाद और सीओ हाईवे मुरादाबाद और एसओ पाकबड़ा द्वारा उनका बुके देकर स्वागत हुआ। इससे पहले डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पुलिस के झंडे को सलामी दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर के उपरांत डीआईजी मुनिराज द्वारा थाना परिसर के बिंदुवार पटेल का निरीक्षण किया गया। एसएचओ पाकबड़ा को दिशा निर्देश दिए गए। थाना परिसर का भ्रमण करने के बाद उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभी और बेहतर करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम थाने पर आने वाले प्रत्येक फरियादी की फरियाद को तसल्ली से सुने, उसको संतुष्टि दें, कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से मजबूत किया जाए, जाम की समस्या से लोगों को राहत मिले, क्षेत्र में किसी भी तरह का आपसी विवाद ना हो, बिंदु को ध्यान में रखते हुए समय समय पर सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक ढांचे से जुड़े लोगों के साथ बैठक करें, लोगों से सुझाव लिए जाएं। इस दौरान सभी चौकीदारों को भी सम्मानित किया गया। सभी चौकीदारों को पटका साफा पहनाया गया, छतरी और टॉर्च भी उनको भेंट की गई। सभी से कहा गया कि वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे लोगों से समझाइश करें, वार्ता करते रहें और ऐसा कोई भी कार्य ना होने दें जिससे उनकी छवि और थाने की छवि खराब हो। अच्छे लोगों से तालमेल बना के रखें, इसके बाद ही समाज को अच्छे संदेश दिए जा सकते हैं ताकि भयमुक्त समाज की स्थापना हो सके। सभी एक दूसरे के सहयोग में काम करें। हमारा मकसद भय को खत्म करना है, अन्याय को खत्म करना है, अच्छे समाज का निर्माण करना है। पुलिस के पास फरियादी इंसाफ के लिए आता है और हमें उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। झूठे मक्कार, चापलूस और अपराध से जुड़े लोगों को सबक भी देना है। जनपद मुरादाबाद का वार्षिक इंस्पेक्शन में कर रहा था, उसमें सुबह पुलिस ऑफिस का कराया है, अभी शाम को थाना का इंस्पेक्शन करने के लिए थाना पाकपड़ा में आया हूँ। अभी थोड़ा थाना परिसर का भ्रमण किया हूँ। थाना परिसर भ्रमण करने के समय साफ सफाई वगैरह सब अच्छी है, बैरिक वगैरह का साफ सफाई बहुत अच्छी है, बाकी रजिस्टर वगैरह भी हम देख रहा हूँ, उस पर भी हम चेक कराएंगे उसका, और पुलिस कांस्टेबल के बाद मीटिंग करूंगा, अभी चौकीदार से बात करेंगे। और बाकी अभी मैं जो मैं कितना भी देख रहा हूँ, हर चीज़ अच्छा मिला है, और बाकी रजिस्टर वगैरह भी देखें, अभी जी पुलिस का भी चेक किया हूँ, उसके भी सामान वगैरह का सब वेरिफिकेशन चल रही है, उसके बाद पता चलेगा कितना अपडेशन वगैरह सब चेक करेंगे, और रजिस्टर का भी चेक करूंगा, उसमें कोई कमी आएगा तो बाद में पता चलेगा। फिर भी अभी तो ऑलमोस्ट सुबह से अभी तक जो निरीक्षण किया है वो जो पूरा जनपद का निरीक्षण का हर चीज़ का संतोषजनक मिली है, और कुछ कमियां मिली है उसका हम अभी निर्देश दिया हूं एसएसपी का और उसे पूरी करने के लिए। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा, पुलिस अधीक्षक नगर अखिलेश भदौरिया, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संदीप कुमार मीणा, सीओ हाईवे, एसएचओ पाकबड़ा सत्येंद्र सिंह सहित समस्त थाने का स्टाफ मौजूद रहा।